नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज खबर हरदोई से। आज लगातार चौथे दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिला अध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता, समाजवादी छात्र सभा के पूर्व राष्ट्र सचिव मुकुल सिंह आशा की अगुवाई में किसानों को उनका हक दिलाने को लेकर एक पदयात्रा का आयोजन सपा यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष रामज्ञान गुप्ता के आवास निकट सांडी चुंगी से बिलग्राम चुंगी बड़ा चौराहा नुमाइश चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक किया गया। जैसे ही सपा नेता पदयात्रा के लिए सड़कों पर निकले, वैसे ही पुलिस द्वारा बल प्रयोग करते हुए सपा नेताओं को जबरदस्ती रोक दिया गया। पुलिस और सपा नेताओं में काफी तीखी नोकझोंक हुई। सपा नेताओं ने कहा कि पुलिस लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं को किसानों के हक की आवाज उठाने को लेकर दबाने का कार्य कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोगों को किसानों के हक की लड़ाई में रोड़ा उत्तर प्रदेश व देश की सरकार बनी है। देश व प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम सब किसानों की यह लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का कार्य करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार जो देश में काला कानून लाई है, ये काला कानून से पूरे देश का किसान परेशान है। हम समाजवादी लोग किसानों के हित की लड़ाई सदन से सड़क तक लड़ेंगे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग आगे भी किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस मौके पर सुधीर गुप्ता, मिन्ना अवनीश पांडे, धर्मेंद्र यादव, दीपू, अंकित सिंह, शाहिद खान, नवीन यादव, कौशल कुमार, सुधाकर सिंह, गोपेश यादव, मोहित यादव, राजू गुप्ता, हिमांशु राजपूत, पंकज गुप्ता, आकाश गुप्ता, नितिन राजपूत सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरदोई ब्यूरो चीफ रवि प्रकाश शुक्ला के साथ कैमरामैन प्रमोद कुमार की खास रिपोर्ट।